नमस्कार शिक्षार्थियों, गृह विज्ञान के परास्नातक कार्यक्रम के आहार विज्ञान एवं पोषण विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के पाचन, अवशोषण एवं चयापचय के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। जब भोजन को चबाया जाता है तो वह लार के संपर्क में आता है और लार में एक तरह का अल्फा अमाइलेज यानी टाइलिन उपस्थित होता है जो स्टार्च का परिवर्तन डेक्सट्रोज और माल्टोज में करता है, यानी जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है उसका परिवर्तन डेक्सट्रिन और माल्टोज में हो जाता है। पके हुए भोज्य पदार्थों में यह क्रिया अधिक अच्छी तरह होती है क्योंकि पकाने की क्रिया के परिणाम स्वरूप स्टार्च के जो सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं और इन पर एंजाइम की क्रिया शीघ्रता से हो जाती है। मुँह में जो पाचन होता है वह एल्कलाइन मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में होता है। लार युक्त अमाइलेज द्वारा स्टार्च का पाचन पेट में भी 10 से 15 मिनट तक जारी रहता है जब तक कि भोजन पेट में गैस्ट्रिक रस के साथ मेल नहीं जाता, यानी जो पेट में HCl सिक्रीट होता है उसमें जब तक भोजन नहीं मिल जाता तब तक उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन जारी रहता है। उसके पश्चात उच्च अम्लता यानी हाई एसिडिटी के कारण अमाइलेज की क्रियाशीलता बंद हो जाती है। उसके बाद भोजन में मौजूद स्टार्च और ग्लाइकोजन का एक बड़ा हिस्सा छोटी आंतों में अग्नाशय अमाइलेज द्वारा पचाया जाता है और वहाँ पर यह माल्टोज और आइसोमाल्टोज के मिश्रण में पच जाता है। इस फिगर से हम देख सकते हैं कि स्टार्च में टाइलिन और पैनक्रियाटिक अमाइलेज रिएक्ट करते हैं जो उसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टोज और माल्टोज के साथ साथ आहार में मौजूद सुक्रोज और लैक्टोज आंतों के म्यूकोसा में मौजूद अलग अलग एंजाइमों द्वारा संबंधित मोनोसैकेराइड में विभक्त हो जाते हैं, यानी सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। पाचन के अंत में एकल शर्करा इकाई में ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज बनते हैं जिनका अवशोषण आंतों के द्वारा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ रूप जो पच नहीं सकते जैसे सेल्युलोज और अन्य कई तरह के जो पॉलीसैकेराइड उपस्थित होते हैं वह आदि व्यर्थ पदार्थों के साथ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया यानी अवशोषण की जो क्रिया होती है वह मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो सिंपल शुगर्स यानी सरल शर्कराएं होती हैं वह यकृत में पहुँचाई जाती हैं। ग्लूकोज का कुछ भाग मांसपेशियों द्वारा भी ले जाया जाता है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है जो भूखे रहने की स्थिति में या कभी बीमारी की स्थिति में जब भोजन उपलब्ध नहीं होता या भोजन पचाया नहीं जा सकता शरीर द्वारा उस स्थिति में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बात करेंगे चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की। आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा रक्त में प्रभावित होती है। रक्त द्वारा यह ग्लूकोज शरीर की प्रत्येक कोशिका सेल में पहुँचाया जाता है जहाँ ऑक्सीकरण द्वारा यह पाइरुविक एसिड यानी पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो उस प्रक्रिया में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। यह तीन चीज़ों का निर्माण होता है और ऊर्जा कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में एकत्रित हो जाती है और जब हमें ज़रूरत होती है तो आवश्यकता अनुसार यह शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल शरीर द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जब कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है तो उसके पश्चात मोनोसैकेराइड्स रक्त परिसंचरण में प्रवेश करते हैं और लिवर में स्टोर हो जाते हैं और यकृत की कोशिकाओं यानी हिपैटोसाइट्स जो लिवर सेल्स होते हैं उनमें ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज का एक भाग ग्लाइकोजन में बदल जाता है और कुछ भाग जो होता है ग्लूकोज का वह ऊर्जा के लिए यूज़ हो जाता है। ग्लूकोज का जो शेष भाग होता है वह रक्त में परिसंचरित कर दिया जाता है और शरीर के अन्य जो सेल्स होते हैं जैसे जो मांसपेशियां होती हैं स्केलेटन की, जो किडनी होती है और एडिपोज टिश्यूज, इनमें वितरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका चयापचय और उनका एब्जॉर्प्शन होता है और अंत में कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सरल इकाई होती है यानी ग्लूकोज उसमें ही यह बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। लंबी अवधि तक भूखे रहने की स्थिति में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसमें गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से भी ग्लूकोज की आपूर्ति की जाती है और जिसमें ग्लूकोज को पाइरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड जैसे पदार्थों से संश्लेषित किया जाता है और एमिनो एसिड प्राप्त करने हेतु प्रोटीन को मेटाबोलाइज किया जाता है जबकि ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि
प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे एनर्जी तो मिलती है, उसके साथ साथ अमीनो एसिड भी मिलते हैं, और जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके साथ साथ ग्लिसरॉल्स मिलते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की। सबसे प्रमुख कार्य जो कार्बोहाइड्रेट का है वह है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जैसा हम जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह ऊर्जा प्राप्त करने का प्रत्यक्ष स्रोत है, जिसको जिसमें शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो एक्सेस ऑफ एनर्जी यानी अधिक मात्रा में जो ऊर्जा मिलती है हमें, वह शरीर में संग्रहित भी हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा प्रमुख कार्य है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन की बचत में सहायक, यानी जब हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो शरीर को समुचित मात्रा में कैलोरी प्रोवाइड होती है। इसके विपरीत जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आहार में कम होती है तो शरीर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अन्य स्रोतों को यूज़ करता है, जैसे प्रोटीन। और प्रोटीन का कार्य कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में जो मुख्य कार्य होता है जो है शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, रक्त, मांसपेशियों, त्वचा आदि का निर्माण करना और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना, यह सब कार्य गौण हो जाता है और वह कार्बोहाइड्रेट का कार्य करने लगता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। तो यदि प्रोटीन को अपना जो मुख्य कार्य है वह करना है तो उसके लिए आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उचित होनी चाहिए। फिर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होते हैं। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए लैक्टोज ज़रूरी होता है, और यह शर्करा, लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। वसा के जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट सहायक होते हैं। वसा के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण से बनने वाले एसिटाइल कोए साइट्रिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड उपलब्ध नहीं होता तो यह एसिटाइल कोए वसा के ऑक्सीकरण द्वारा बड़ी मात्रा में बन जाता है, और इसका कुछ हिस्सा कीटोन निकायों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कीटोन बॉडीज बनते हैं, और यह कीटोन बॉडीज शरीर में रक्त और ऊतकों में जमा होते हैं, कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और यदि यह कीटोन बॉडीज शरीर में रक्त में अधिक मात्रा में होते हैं तो इससे कोमा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उचित हो। फिर पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक हैं। इसमें मुख्यतः पॉलीसेक्राइड बहुत ज़रूरी होते हैं। सेल्युलोज जो पॉलीसेक्राइड होता है यह अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है, और यह हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों के विसर्जन में सहायक होता है। यह पॉलीसेक्राइड जो होते हैं इनका कोई पोषण मूल्य नहीं होता, परंतु यह हमारी आंतों की मांसपेशियों की गति को तीव्रता प्रदान करते हैं। यह फीके और रेशेयुक्त होते हैं, और इनके द्वारा मल अधिक देर तक आंतों में नहीं रहता, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती। फिर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह भोजन को स्वाद प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ प्रायः सभी मीठे और उत्तम स्वाद वाले होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि आहार में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ के समावेश से भोजन अधिक स्वादिष्ट बनता है और रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। कई तरह के गंभीर रोगों से कार्बोहाइड्रेट बचाते हैं। अधिक रेशायुक्त भोजन खाने से व्यक्ति हृदय रोगों से बचा रहता है, उस हृदय रोगी को इससे आराम मिलता है, क्योंकि ऐसे आहार में वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, और जो आहारीय रेशा होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड फॉर्म है उसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर, जो ब्लड शुगर होती है उसकी मात्रा भी कम होती है, इसलिए डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में भी यह सहायक होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ग्लूकोज की नियमित पूर्ति आवश्यक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का आहार में समावेश आवश्यक है। भोजन में स्रोतों की बात करें तो मुख्य स्रोत हैं अनाज और अनाज के उत्पाद। प्रायः खाने में प्रयोग होने वाले सभी आम अनाज जैसे गेहूँ, जई, चावल, जौ, सभी तरह के कॉर्न, भुट्टा जिसको हम कहते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं, और कोई भी भोजन जिसमें अनाज या अनाज का आटा मुख्य रूप से शामिल होता है वह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। इसमें कई सारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे पास्ता, नूडल्स और मैक्रोनी, ये सब भी, और रोटी, पोहा, उपमा, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। फिर स्टार्च युक्त सब्जियाँ और फलियाँ भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, जैसे आलू, जिमीकंद, हरी मटर, मक्का, इन सब में उच्च स्तर के जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शरीर में जाकर शर्करा के रूप में परिवर्तित होते हैं। सभी प्रकार के फल
और फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और फलों के रसों की तुलना में ताजे फलों का सेवन अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें शुगर के साथ साथ यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आहारी रेशा भी मिलता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है। फिर पेय पदार्थ भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, जैसे दूध जो एकमात्र महत्वपूर्ण प्राणी स्रोत है, और मीठा सोडा यानी जो स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं वो, फलों के पेय, फलों का रस और एनर्जी ड्रिंक्स जो भी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। मादक पेय पदार्थों में वाइन और बियर, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो यह भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा मिठाई और जो एक्स्ट्रा शुगर हम लेते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में भी शुगर मिलाई जाती है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते परंतु आहार में कार्बोहाइड्रेट के अदृश्य स्रोत हो सकते हैं। पास्ता सॉस, सलाद ड्रेसिंग, सैंडविच, ब्रेड, ऊर्जा और पोषण बार और अन्य जो फास्ट फूड्स होते हैं, इनमें आमतौर पर उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या अतिरिक्त स्वाद के लिए शर्करा मिश्रित होती है। जो भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें जो शुगर होती है वो मिलाई जाती है, और यह ऐसे खाने में मीठे नहीं होते परंतु अदृश्य स्रोत यह भी हो सकते हैं, तो यह भी आहार में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो शिक्षार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने कार्बोहाइड्रेट के चयापचय, उसके अवशोषण और उसके जो आहारी स्रोत हैं उनके बारे में जाना। नमस्कार।